दोस्तों ईपीएफओ की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, आपको बताऊंगा इस अपडेट के बारे में पूरे डिटेल से। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सुनाए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं अपडेट के बारे में पूरे डिटेल से। दोस्तों एक अपडेट लगाई गई है, ईपीएफओ सब्सक्राइबर को मिल सकती है बड़ी राहत, एक ही बार में मिल सकता है 8.50% की रेट से ब्याज भुगतान। अपडेट की माने तो ईपीएफओ अपने सब्सक्राइबर को ब्याज के भुगतान में बड़ी राहत दे सकता है। जानकारी है कि रिटायरमेंट फंड ईपीएफ के सब्सक्राइबर को ईपीएफ की ब्याज दर का एक मुश्त भुगतान किया जा सकता है। राहत की बात इसलिए है क्योंकि इसके पहले संगठन ने कहा था कि कोविड के चलते उसके आय पर असर पड़ा है, ऐसे में इस बार वो सब्सक्राइबर को किस्तों में भुगतान करेगा और एक हिस्से का भुगतान 31 दिसंबर 2020 के बाद ही हो पाएगा। दरअसल ईपीएफओ के सूत्रों ने बताया कि सभी ईपीएफओ सब्सक्राइबर को ईपीएफ ब्याज दर एक मुश्त ट्रांसफर करने के लिए श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा। श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव में कहा गया है कि ईपीएफओ ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी इक्विटी सेल से अच्छी कमाई की है और अब देश के सभी ईपीएफ सब्सक्राइबर को मौजूदा साल की ईपीएफ इंटरेस्ट पेमेंट एक साथ दी जा सकती है। इससे पहले 9 सितम्बर को ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ने तय किया था कि कोरोना वायरस संकट को देखते हुए ईपीएफ धारकों को 200 में ब्याज की पेमेंट की जाएगी। बोर्ड ने कहा कि लॉकडाउन के चलते संस्था की आय पर असर पड़ा है, ऐसे में पहले सब्सक्राइबर को 8.15% की दर से भुगतान किया जाएगा, फिर बाद में बाकी के 0.35% का भुगतान होगा। तो दोस्तों ईपीएफओ सब्सक्राइबर को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। खबर आ रही है कि श्रम मंत्रालय ने प्रस्ताव भेज दिया है, उसमें कहा गया है कि ईपीएफओ सब्सक्राइबर को पूरा ब्याज एक ही किस्त में दिया। साथियों सभी को सूचित करना है कि उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में मासिक बैठक शुरू कर दिया गया है। सभी से निवेदन है कि सभी मंडल के जिले के सदस्य ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लें कर आगे होने वाले आंदोलन की रूपरेखा तैयार करें। अगर हमारी मांगों पर सरकार उचित निर्णय नहीं लेगी तो आंदोलन की तरफ जाना ही पड़ेगा। जी हां दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है यहां पर। जैसे कि अगर हमारी मांगे 7000+ डीए नहीं मांगी मानी सरकार ने तो आंदोलन की तरफ तो जाना ही पड़ेगा। जिला फरुखाबाद की मासिक बैठक दिनांक 13/12/2020 को फरुखाबाद बस स्टेशन पर 11 बजे होना निश्चित किया गया है और धन्यवाद। तो दोस्तों जैसे कि होमशंकर तिवारी जी प्रांतीय कार्य अध्यक्ष मध्य क्षेत्र राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश से भी बड़ी अपडेट यहां पर निकल कर आ रही, जो वाराणसी मंडल की बैठक मासिक दिनांक 14/12/2020 को बुधवार को समय 1 बजे कैंट डिपो कार्यालय स्थित मंदिर के प्रांगण में होना निश्चित किया गया था। कृपया इस सूचना को सभी ग्रुपों में प्रसारित करने का कष्ट करें, धन्यवाद। कमलाकर त्रिपाठी मंडल सचिव वाराणसी से। आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर जैसे कि ईपीएस रेडी मेंबर्स के लिए सरकार की बड़ी घोषणा है, 15,000 से कम वेतन वालों को मोदी सरकार का तोहफा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कोविड-19 के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के कारण सभी सेक्टर्स में गतिविधियां ठप हो गई थी, इससे बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरी पैसों से हाथ धोना पड़ा, जॉब लॉस पड़ा था, देश में बेरोजगारी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, विपक्षी दल भी सरकार पर रोजगार को लेकर निशाना साध रहे थे। ऐसे में केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना काफी मददगार साबित होगी। इसी के अलावा कैबिनेट ने देश में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए पीएम पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को भी मंजूरी दी है। इसी के तहत देश में पब्लिक डाटा ऑफिस खोले जाएंगे। कम वेतन वाले कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक तोहफा दे दिया है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सरकार ने कहा है कि 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक कंपनियों और अन्य इकाइयों द्वारा रखे जाने वाले नए कर्मचारियों के लिए 2 साल तक रिटायरमेंट फंड में हस्तांतरण देगी। सरकार की तरफ से यह फंड कर्मचारी नियुक्तों की तरफ से होगा। इसका मतलब है कि तय अवधि के बीच कम सैलरी पर नियुक्त पर सरकार अब कर्मचारियों का 12% नियुक्ता का 12% भविष्य निधि कोष ईपीएफ का बोझ खुद उठाएगी। बुधवार को ही सरकार ने कैबिनेट बैठक में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार इस योजना पर 22,810 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वही योजना में से 58 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के किने मिलेगा इसका लाभ आपको बता दूं, सरकार के इस फैसले से हर महीने 15,000 रुपये या इससे कम सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को फायदा होगा। इसके दायरे में केवल वही कर्मचारी होंगे जो 1 अक्टूबर 2020 से पहले किसी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से संबंध संस्थान में नौकरी नहीं कर रहे थे, उनके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएनए अकाउंट नहीं है। इसी के अलावा उन लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा जिनके पास यूएनए अकाउंट है और 15,000 रुपये से कम मासिक पेंशन सैलरी है, लेकिन 1 मार्च
2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच कोविड 19 महामारी के दौर में नौकरी चली गई, उसके बाद ईपीएफओ से जुड़े किसी संस्थान में नौकरी नहीं की हो। आपको बता दूं, सरकार ने यह भी कहा है कि 1000 लोगों तक नए रोजगार देने वाली कंपनियों के दोनों हिस्सों का खर्च वह खुद उठाएगी, जबकि 1000 से अधिक लोगों को नए रोजगार देने वाली कंपनियों को हर कर्मचारी के 12% का इंतजाम का बोझ 2 साल तक के लिए उठाएगी। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा करें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे।